नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ खुशरू बाग उद्यान। की प्लान ऑफ खुशबू बाग, आइए जानते हैं क्या क्या है खुशबू बाग में। की प्लान ऑफ खुशरू बाग में आपको देखने को मिल जाएगा टॉम ऑफ बीबी टैमोलन, टॉम ऑफ शाह बेगम, टॉम ऑफ निसार बेगम, टॉम ऑफ सुल्तान खुसरो, साथ ही साथ डांसिंग लॉन, मैंगो एंड गवाभा लीची ऑर्चिड, मैंगो एंड गवाभा ऑर्चिड, मैंगो एंड ऑरेंज, मैंगो एंड गूजबेरी आमला। तो ये सारे चीज़ आप धीरे धीरे देखेंगे। देखिए इधर नक्काशी चित्रकारी बहुत ही बेहतरीन की गई है और यहाँ वैधानिक चेतावनी है, तो फूल पौधा को नुकसान नहीं पहुँचाना है, नहीं तो 1000 रुपया फाइन है। खुसरो उद्यान खोलने का समय अमूमन सुबह के 10 बजे, सुबह में 12 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद आप देखते जाइए क्या क्या मैं दिखाने वाला हूँ। उधर कटिंग का कार्य चल रहा है। देखिए मौसम सूखा हो या हरियाली, मनुष्य को कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन में प्रयास करते रहें तो निरंतर ही उनको बुलंदियों और ऊंचाइयों का सफलता मिलते रहेगा। तो धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे क्या क्या है आखिर खुशरू बाग में। देखिए कटिंग चल रहा है, पूरा सफाई पर ध्यान दिया गया है कि आधुनिक मशीन से यहाँ सफाई किया जा रहा है। जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। जैविक खाद में गोबर मिट्टी मिक्स रहता है, केंचुआ सब मिक्स रहता है। बहुत ही बड़ा बागान है, आम है, कटहल है, ऑरेंज है, बहुत सारा चीज़ है, मैंने पहले ही बता रखा है। तो नींबू भी है, गवाभा है। खुशरू बाग शान ऑफ इलाहाबाद है। मानो कितना भी तनाव रहे और अगर इस बाग में आ जाइए तो सारा तनाव दूर हो जाता है। कितने भी आप निराश हों अपने जीवन से, लेकिन यहाँ पे आइएगा तो आपको खुशी का एहसास ज़रूर होगा। जीवन में कभी ना कभी दुखों का सामना करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, तो धैर्य बनाकर रखें और हमेशा अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। हमेशा बाग बगीचा भ्रमण करते रहें, अपने परिवार को या अपने मित्र को हमेशा घुमाते रहें। अच्छे जगह पे अच्छे कार्य करना चाहिए। बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं जो नुकसान पहुंचा देते हैं लोगों को बेवजह, जिससे काफ़ी दुख होता है। तो अभी मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ हुआ है, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में प्रयास करना चाहिए। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कितना अच्छा बाग लग रहा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल तिरंगा का यह रूप। देखिए बड़े बड़े वृक्ष, काफ़ी अच्छा नज़ारा। इसमें सभी टॉम हैं, यहाँ पे दिए गए हैं, खुशरू टॉम, निसार बेगम टॉम, शाह बेगम का मकबरा। देखिए तो चलते हैं अंदर की ओर। ये जो चीज़ है यहीं देखने के लिए मैं आया। वाह, बनाने वालों ने क्या बनाया है, मानो सारा स्वर्ग की अनुभूति यहीं पे हो जाना है। देखिए कितने लोग आए हुए हैं अपना, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा यह दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ कुछ दर्शक आए हुए हैं, देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसमें फवारा लगता है, अभी चल नहीं रहा है। बहुत ही अच्छा दृश्य है, यहाँ पे आप चढ़ भी सकते हैं। देखिए वाओ, इट्स अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। देखिए कितना प्यारा यह दृश्य लग रहा है, देखते जाइए आप, देख सकते हैं आप, ये देखिए। बहुत ही खूबसूरत यह टॉम, सभी का कलर एक। देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए, बहुत ही प्यारा नज़ारा आपको मैंने दिखाया। लगातार 3 टॉम है, और भी कुछ कुछ मैं दिखाने वाला हूँ।
ये है मीनार, इसमें पानी है, देखते हैं। हाँ पानी है और मोटर भी लगा हुआ है। थोड़ा मोबाइल को सावधानी से रख के यहाँ शूट करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। देखिए क्या व्यवस्था था पहले के ज़माने में, ये देखिए यहीं से पानी दूर दूर तक जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ही बनाया गया है, आप देख लीजिए। और ये सीढ़ी थोड़ा दिक्कत है, इसमें उतरने में बहुत कठिनाई हो रहा है। सीढ़ी बहुत ही कम स्पेस में बनाया गया है। स्मारक सनराइज के समय खुलता है और सनसेट के समय बंद हो जाता है। अब हम लोग इधर जाएंगे, इधर का भी दृश्य काफ़ी अच्छा है। ये बैक साइड का है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फूल पर लगे हुए हैं गमला में, 10 बजिया, दिन में ये खिलता है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और इसी में राजकीय पौधशाला भी है, देखिए यहाँ पे पौधों का तैयारी किया जाता है, उनको जर्मिनेट किया जाता है, उगाया जाता है। हाँ आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रयोग में लाना है, यूरिया या फिर जो भी उर्वरक है उनको सब दर्शाया गया, बताया गया अच्छे तरीके से। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर बस बागान ही बागान है। अब हम लोग आ गए हैं एकदम किनारे में। ओ वाह, इसमें खासियत भगवान का भी मंदिर है यहाँ, ये तो काफ़ी अच्छा बात है। बहुत दूर में फैला हुआ है यह बाग दोस्तों, देख सकते हैं आप। और यहाँ कुछ आम की प्रजाति हैं, आप देख सकते हैं शॉर्ट में, देखिए भगवान भोलेनाथ। और ये देखिए इवनिंग में तो यहाँ मज़ा आ जाता होगा, बिल्कुल ज़बरदस्त फाउंटेन है। अभी धूप है तो देख लीजिए आप, इधर खूब सारा अमरूद है। और डिस्टेंस आप देखिए, कोई भी अगर आप बागान लगा रहे हैं तो इतना तो डिस्टेंस अमूमन होना ही चाहिए। और ये हमेशा कटिंग होते रहता है, कटिंग होने से फल ज़्यादा आता है। और देखिए आप, तो काफ़ी अच्छा रहा ये ब्लॉग, आपको कैसा लगा खुशरू बाग इलाहाबाद का ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं फिर से मुख्य द्वार पे, एग्जिट सेंटर पे, तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, फिर दिखाएंगे आपको एक भारत का खूबसूरत बाग। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए तो चलिए, जय हिंद वंदे मातरम, इसी के साथ समाप्त किया जाए। जाते जाते मुख्य द्वार जरूर मैं दिखाऊंगा जहां से स्टार्ट होता है। तो आ गए हम लोग एग्जिट सेंटर पे, और द्वार में देखिए लकड़ी का उपयोग किया गया है, ये जो लकड़ी है इसी से द्वार बनाया गया है। और देखिए 7 से 12, 3 से 6, ये है सब खुसरो बाग प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत है।